जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से इस विषय में जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रुद्रप्रयाग की 7 केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने की तिथि है और 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके अलावा 4 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि 20 नवंबर को मतदान होगा तथा 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के लिए 2 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 सेक्टरल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के अंदर विभिन्न निजी संपत्तियों से सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जानी होगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। उसमें अधिसूचना जारी होने की जो तिथि आएगी वो 22 अक्टूबर 24 रहेगी। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर है। संवीक्षा सूटने की तिथि जो है 30 अक्टूबर है और विड्रॉल की जो तिथि है वो 4 नवंबर 2024। विभिन्न पत्रों के माध्यम से जब एमसीसी जनपद में लागू हुई है तो क्या क्या चीजें की जानी है उसके संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सबसे प्रमुखता से जो है वो है हमारी प्रॉपर्टी डिफेसमेंट को लेकर के, जिसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर हमें 24 घंटे के अंदर हमारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर हमें 48 घंटे में और प्राइवेट प्रॉपर्टी से हमें 72 घंटे में कोई भी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें हटाने की डायरेक्शन है। ऑफिस में जो वाहन है उनके मिसयूज को प्रतिबंधित किया गया है। पब्लिक एक्सचेकर के कॉस्ट पर एडवर्टीजमेंट्स को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पॉलिटिकल फंक्शनरीज के फोटोग्राफ को प्रतिबंधित किया है।